नमस्कार, योर गाई टीवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमनजोत हाजिर हूँ आज 23 जून मंगलवार की बड़ी खबरों के साथ। आइए खबरों की चर्चा से पहले नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी सुर्खियों पर। रतन टाटा की इमोशनल पोस्ट, लिखा यह साल चुनौतियों से भरा है। आरआईएल ने रचा इतिहास, बनी 150 अरब डॉलर वाली पहली भारतीय कंपनी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा चीन के साथ एक नहीं दो दो युद्ध लड़ रहा है देश। ओडिशा के रायगढ़ में भूकंप का हल्का झटका, रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता नापी गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 1,32,000 से ज्यादा संक्रमित, देश में अब तक 13,699 की जान चली गई। 3 दिन के रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 75वीं विक्ट्री डे परेड में लेंगे हिस्सा। जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बिजली विभाग नहीं लगाएगा चीनी मीटर और उपकरण। बड़ा फैसला, अब प्लॉट के तौर पर बिकने वाली जमीन पर देना होगा जीएसटी। मुस्लिम देशों ने कश्मीर पर की बैठक, भारत के खिलाफ जारी किया बयान। ये थी सुर्खियां। खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए बने रहे योर गाई टीवी चैनल के साथ। रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट में लिखा, ऑनलाइन कम्युनिटी किसी के भी संबंध में किसी भी निर्णय पर तक तुरंत पहुंच रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अधिकांश लोग ऑनलाइन एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोमवार को शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत तेजी से साथ होने पर 150 अरब डॉलर का बाजार पंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को कारोबार की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पंजीकरण 28,248 करोड़ के करीब से बढ़कर 11,043 करोड़ 667 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नई दिल्ली से आ रही खबर, देश में चल रहे कोरोना वायरस संकट और लद्दाख में हुई सैनिकों की हिंसक झड़प, दोनों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है। आज हम चीन के खिलाफ दो युद्ध लड़ रहे हैं, भारत चीन बॉर्डर पर और देश के अंदर चीन से आए वायरस के खिलाफ। बॉर्डर पर हमारे 20 वीर जवान पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे और दोनों युद्ध जीतेंगे। ओडिशा के रायगढ़ जिले में भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया है। काशीपुर इलाके में आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक
भूकंप के झटके सोमवार शाम 4:40 पर लगे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीनों से लगातार भूकंप के झटके लग रहे हैं। दिल्ली NCR में भूकंप के झटकों की शुरुआत 12 अप्रैल 3.5 तीव्रता से हुई, तब से अब तक अलग अलग दिन 14 बार झटके लग चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 1,32,075 हो गई है। वहीं देश में कोरोना वायरस के चलते 13,699 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश में लगातार बढ़ते मामलों के बीच संक्रमित मरीजों की संख्या 4,25,000 के पार पहुंच गई है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन से रूस के दौरे पर हैं, जहां वे रूस के रक्षा मंत्री समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री रूस की विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेंगे, जहां उनके समक्ष चीन के रक्षा मंत्री की भी मौजूदगी होगी। सीमा तनाव के बीच यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा जहां दोनों देशों के सैनिक साथ होंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री भी शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ दी जगन्नाथ रथ यात्रा को इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार इस रथ यात्रा के लिए COVID-19 की गाइडलाइन के तहत इंतजाम करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर यात्रा के चलते स्थिति हाथ से बाहर जाते हुए दिखती है तो सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है। भारत और चीन के बीच सीमा पर हुए विवाद के बाद उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। बिजली महकमा ट्रांसमिशन व उत्पादन के साथ ही किसी भी काम के लिए चीन निर्मित किसी उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे। बड़ा फैसला, अब प्लाट के तौर पर बिकने वाली जमीन पर देना होगा GST। पानी की पाइपलाइन, बिजली और पानी की निकासी की सुविधाओं वाले प्लाट की बिक्री पर GST लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने कहा है कि यदि कोई रियल इस्टेट डेवलपर बुनियादी सुविधाओं वाली जमीन प्लाट के रूप में बेचता है तो उस पर GST लगेगा। मुस्लिम देशों ने कश्मीर पर की बैठक, भारत के खिलाफ जारी किया बयान। मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े मंच कहलाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को लेकर एक आपातकालीन बैठक की। यह बैठक कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की थी, जिससे OIC ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर 1994 में बनाया था। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ने कड़ा बयान जारी किया है। बैठक में जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के सदस्य देश अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हिस्सा लिया। इस बैठक को OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल ओथामिन ने संबोधित किया। जनरल यूसुफ ओथामिन ने कहा, OIC इस्लामिक सिस्टम के अहम संकल्पों, विदेश मंत्रियों की परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, कश्मीरियों को दशकों से उनके वैध अधिकारों से वंचित रखा गया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीरियों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कोशिशें तेज करने की अपील करता हूँ। ऐसी ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।